हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आईपीएसबी मेंस का आज एडमिट कार्ड आउट हो चुका है और आप लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा कि आप लोगों का जो सेंटर है वो कहाँ है और आप लोगों ने मतलब चेक कर लिया होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो भी मतलब नेसेसरी है वो आप लोग मतलब अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और जो आप लोगों का प्री का एडमिट कार्ड था वो तो प्लीज आप लोग मतलब ना भूलें, उसे ले जाना। आप लोगों के लिए वो मस्ट है कैरी करना, ठीक है, बिकॉज वो आप लोगों को रिटर्न इसे लेके आ गया था प्री एग्जाम के टाइम पे, ताकि आप लोग उसे मेन से फिर से लेके जाए, ठीक है। जो वेरीफाइड वाला है वही लेके जाना है, न्यू निकाल के नहीं लेके जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को आईपीएसपीओ मेंस का जो एडमिट कार्ड है उसके साथ एक हैंड आउट नोटिस रिलीज किया गया है, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला है। अब चेंजेस सिर्फ और सिर्फ बस इतना है कि जो आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसमें आप लोगों को सेक्शन ए एंड सेक्शन बी करके डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो जीए है वो आपका बिल्कुल नॉर्मल है, एज इट इज है, जैसे पहले था। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है। आपका जो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो सेक्शन है उसे भी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब ये डिवाइड क्यों किया गया है, इसका बस एक छोटा सा यहाँ पर आंसर ये है ना। बिल्कुल, हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्यों डिवाइड किया गया है, क्या हुआ है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब बातें समझ में नहीं आ पाती है जल्दी, ठीक है ना। तो वैसे अगर आप लोगों ने अभी तक पहले कुछ और वीडियोस वगैरह देख रखा है, अभी जो भी मतलब इस हैंड आउट के बाद रिलीज किया होगा कुछ वीडियोस वगैरह मतलब कुछ लोगों ने प्रोवाइड कर दिया होगा, तो सही है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। बट अगर अभी तक आप लोगों को नहीं पता चला है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे आप लोगों का जो दुविधा या जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए हुआ क्या है ना, आप लोगों को पहले से इस बात का पता होगा, जानकारी होगा कि आईपीएसपीओ मेंस में रीजनिंग इंग्लिश एंड डीआई में, डीआई बोलने का मतलब डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो सेक्शन है उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक नंबर, एक मार्क्स के लिए होते हैं, एक नंबर के लिए होते हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 2 मार्क्स या 2 मार्क्स या 2 नंबर के लिए होते हैं, ठीक है। तो होता क्या था ना, पहले आप लोगों को क्वेश्चन को स्क्रॉल करके देखना पड़ता था कि कौन सा क्वेश्चन 2 नंबर का है और उस 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कितने मतलब कि एक सेट जो है ना वो कितने क्वेश्चन का है, बोलने का मतलब 2 सेट का क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन का सेट है, इस तरीके से जो रहता है ना। तो वो आपका मतलब पहले फर्स्ट था कि कंफ्यूजिंग था, आप लोगों को पता नहीं चल पाता था, आप लोगों को स्क्रॉल करके देखना पड़ता था, ठीक है, वहां पर आप लोगों का पर क्वेश्चन गिवन होता था। तो बट इस बार ऐसा क्या देखने को मिला है ना कि यहाँ पर आईपीएस ने ही आप लोगों के लिए थोड़ा सा फिल्टर कर दिया चीजों को, एक्चुअली इसे कहा जाए ना तो आप लोगों के हित में इसे इजी बना दिया है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल इसे कर दिया, ठीक है। काफी ज्यादा आप लोगों के लिए मतलब होता है ना, बना बनाया चीज आप लोगों को प्रेजेंट कर दिया हो। सेक्शन ए जो है और जो सेक्शन बी है इसमें ऐसा कर दिया है ना कि या तो इन सेक्शन ए आप लोगों को 2 मार्क्स के ही सिर्फ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और या तो हो सकता है कि जो सेक्शन बी है उसमें आप लोगों को सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड वाइस वर्सा। बोलने का मतलब सेक्शन ए में या तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस या तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या हो सकता है कि आपका जो सेक्शन बी है उसमें आपका 1 मार्क वाले या 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। बस इतना ही सा कहानी है, ठीक है। ये अच्छे से अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि आपका जो सेक्शन ए है वो कितने नंबर वाले क्वेश्चंस को कैरी करेगा या जो आपका सेक्शन बी है वो कितने नंबर वाले क्वेश्चंस को कैरी करेगा, ठीक है। बट इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर दिया गया है कि हाँ इस बार ऐसा क्या होगा ना आपको आईपीएसपीओ मेंस एग्जाम में कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में आपके जो 2 मार्क्स वाले एंड 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो डिवाइडेड होंगे, ठीक है। अब इसका आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा कि जो सेक्शन ए है या तो सेक्शन बी है कौन सा सेक्शन कैरी करेगा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। तो जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो जो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होता है ना सेक्शन वाइज कि हाँ मतलब स्टार्टिंग में जब आप लॉग इन करते हैं तो जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐसे चार्ट बना के गिवन रहता है, ठीक है, या टेबल टेबल के फॉर्म में आप लोगों को गिवन रहता है, वहीं पर आप लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ जो आपका सेक्शन होगा वो कैरी करेगा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। सब आप लोगों को वहां पर पता चल जाएगा टाइम आने पर, ठीक है, एक्चुअल एग्जामिनेशन के टाइम पे। बट यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया गया है कि सेक्शन को आप लोगों को डिवाइड कर दिया गया है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको या तो सेक्शन ए या सेक्शन बी में मिलेंगे और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन या तो आपको सेक्शन ए या सेक्शन बी में मिलेंगे, ठीक है। बट 1 मार्क्स को कैरी करने वाले, बोलने का मतलब कि 2 मार्क्स वाले जो होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन में मिलेंगे और जो 1 मार्क्स वाले होंगे वो आपको एक ही सेक्शन में मिलेंगे। अब यहाँ पर एक बात और, हो सकता है कि आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि क्या अगर सेक्शन ए में जो मान लेते हैं कि या तो 1 मार्क्स वाला या तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैरी करेगा क्या उसे कंपलसरी ये पास करना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और ऐसा कोई भी मतलब जरूरत नहीं है, मतलब एक्चुअली ये कुछ भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। ये सब कोई भी मतलब कंपलसरी का बात नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को रीजनिंग में क्वालिफाई कर लेना है सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है ना, बस आप लोगों को फिल्टर करने के लिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा ढूंढना ना पड़े, ज्यादा स्क्रॉल वगैरह ना करना पड़े कि हाँ कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने क्वेश्चन का सेट आया है और कितने मार्क्स को कैरी करता है, ठीक है। इस बात से यहाँ पर इजी बना दिया गया है चीजों को, आईपीएस ने खुद बोला है कि हाँ लीजिए
आप लोगों के लिए हम इतना काम कर देते हैं, बस आप क्या करें कि आप पढ़ाई कर लें, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका इंग्लिश का लिए रहेगा और यही आपका सेम डीआई में भी फॉलो करेगा, ठीक है ना। बस इतना ही कहानी है इसका, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक अगर आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन था तो आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। बट अगर इफ आपका कंफ्यूजन अभी भी अगर स्टिल होता है आपको, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों का वो कंफ्यूजन है जो दूर कर दूंगा, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप लोगों ने आईपीएसपी मेंस के लिए अभी तक सच में कुछ भी तैयारी नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला था, प्लीज जितना मैंने इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दिया है ना, कम से कम आप 5-6 दिनों में उसे फॉलो कर लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए, हो सकता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बिकॉज अगर आप लोगों ने प्री को क्वालिफाई कर लिया है तो इतना तो जरूरी होगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होंगे, आप लोगों को मतलब अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर होगा, तभी ना पीओ के प्री को आपने क्वालिफाई कर लिया क्या। अब दूसरी बात, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया है, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने बहुत ही ब्रूटल टॉक किया है, मतलब कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे मतलब होते हैं ना मार्केट में कुछ चल रहे टॉपिक्स, इसके ऊपर मैंने बात किया, ठीक है, मेंस को लेकर, आईपीएससी और मेंस को लेकर। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। मैं सच बताता हूँ, आप लोगों का जो डर घबराहट होता है ना या फोबिया होता है मेंस को लेकर, वो शायद खत्म हो जाएगा, शायद वो मतलब पूरा पूरा धराशाई मैं कर दिया हूँ, वो हो सकता है कि आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, और आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों का जो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और मुझसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात और मैं आपको और बता दूँ, मंडे को डिस्क्रिप्टिव का मैं मैराथन सेशन करवाने वाला हूँ, जिसमें एसे के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उसे मतलब मैं विथ आर्टिकल्स, मतलब कि जो भी मतलब एसे का टॉपिक हो गया ना उसका क्या कंटेंट होना चाहिए विथ कंटेंट और आर्टिकल, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मल लेटर होगा ना, फॉर्मल लेटर उसका भी मतलब जो इंपॉर्टेंट कुछ होता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट कुछ लेटर्स को मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्टिव का जो राइटिंग सेक्शन हो गया ना उसके लिए वो आई थिंक मोर देन एनफ होगा, बिकॉज मेरे साइड से मैंने कोशिश किया है ना कि जितना भी कंटेंट एक्चुअली मैंने रेडी किया है वो मैंने, हो सकता है कि मतलब वो आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो वो आप लोगों का आईपीएसपीओ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा एंड एसबीआईपीओ मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप लोग उस सेशन को अटेंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, हो सकता है कि आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव वगैरह का जो भी मतलब अभी तक टेंशन है वो शायद वो भी खत्म हो जाए। और एक बात और, मैं उस डिस्क्रिप्टिव के सेशन में आप लोगों को कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सीक्रेट भी बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव का डर है ना वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चले मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।